गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस सिस्टम के बारे में। ईपीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ब्रेकिंग सिस्टम को बेटर करेगा या किसी सिस्टम को बेटर करेगा स्टेबल करने के लिए। तो बेसिकली ये एक पार्ट है एबीएस का ही कह सकते हैं, या एबीएस इसका पार्ट हो चुका है नए दौर में। अगर देखा जाए तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है। इसका मैंने डायग्राम या पिक्चर इसलिए इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि गाड़ी बना के मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं आज आपको इसको ब्रीफली समझाने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा गाड़ी बीच में बनाऊंगा समझाऊंगा, लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो बेसिकली ये है कि स्टेबिलिटी प्रोग्राम काम कैसे करता है, वो जरूरी है। क्योंकि इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। एबीएस सिस्टम का लगभग एबीएस कंट्रोलर सिस्टम ही होता है, उसके अंदर हमने ईएसपी सिस्टम भी साथ में फिट कर रखा है। सोलेनोइड इसमें कंबाइन होते हैं, कट सोलेनोइड इसमें यूज किए जाते हैं, उसके अलावा दो चार सोलेनोइड और हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। बस सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज सिस्टम क्या होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, हमारे पास अगर स्टेयरिंग सिस्टम है तो स्टेयरिंग सिस्टम में जनरली होता क्या है कि हम लोग जब स्टेयरिंग को टर्न करते हैं, स्पोक भी बना देते हैं। देखिए, स्टेयरिंग के अंदर जब हम स्टेयरिंग को टर्न करते हैं तो स्टेयरिंग को टर्न करते समय हमारे पास बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है अंडर स्टेयर या ओवर स्टेयर की। अंडर स्टेयर और ओवर स्टेयर दो टर्म्स होती हैं। अंडर स्टेयर में अगर आप देखें तो अंडर स्टेयर में हम लोग जब स्टेयरिंग को कम मोड़ लेते हैं तो हम लोग अंडर स्टेयर कहते हैं उसे, और ओवर स्टेयर में जब हम स्टेयरिंग को ज्यादा मोड़ लेते हैं उस दिशा में जिस दिशा में मुड़ना है उसको हम ओवर स्टेयर कहते हैं। अंडर स्टेयर कैसे होता है, मान लीजिए मुझे गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मोड़ना है और गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मोड़ते से मुझे समय मुझे 45 डिग्री का टर्न लेना था, लेकिन मैंने जो है सॉरी 90 डिग्री का टर्न लेना था और मैंने जो है वो 80 डिग्री का टर्न ही लिया है। तो उस कंडीशन में गाड़ी 90 डिग्री पे मुड़नी थी और मैंने थोड़ा सा इतना मोड़ लिया इस जगह पे, यानी 90 ना मोड़ के थोड़ा सा इधर चला गया, तो उस कंडीशन में गाड़ी जो है भारी हिस्से की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, और सेम कंडीशन जो है हमारी ओवर स्टेयर में रहती है, हमें जो है 90 डिग्री पे मुड़ना था लेकिन मैंने जो है वो 100 डिग्री पे गाड़ी को मोड़ दिया, तो उस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आएगी कि गाड़ी या तो बहुत बाहर की तरफ जाएगी या बहुत अंदर की तरफ जाएगी। तो अंडर स्टेयर कहते हैं, कम हम स्टेयरिंग को काटा हमने या कम मोड़ा तो उसे हम अंडर स्टेयरिंग कहेंगे, और ओवर स्टेयर को कहते हैं जब हम स्टेयरिंग को ज्यादा मोड़ देते हैं उस दिशा में जिस दिशा में मुड़ना है उसको हम ओवर स्टेयर कहेंगे। दोनों में अंतर ये होता है। ईएसपी सिस्टम का बिल्कुल इससे ताल्लुक है। बिल्कुल ईएसपी सिस्टम जो होता है वो एबीएस सिस्टम की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि एबीएस सिर्फ ब्रेकिंग सिस्टम में काम आता है, जबकि ईएसपी सिस्टम जो होता है ब्रेकिंग के साथ में स्टेबिलिटी के लिए भी काम में आता है। गाड़ी अगर रोड पे चल रही है और गाड़ी चलते समय सामने हमारे आगे से ट्रक चल रहा है और उसमें से मान लीजिए कुछ सामान गिरता है और हमें उससे इमीडिएटली बचना है, तो उस जगह पे ये बहुत कारगर सिद्ध होता है और हमें आसानी से एक्सीडेंट से बचा सकता है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अंडर स्टेयर के बारे में पहले बात करते हैं। अंडर स्टेयर में मान लीजिए मैं गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मोड़ना है और 90 डिग्री मैंने स्टेयरिंग मोड़ दिया है, 90 डिग्री पे मोड़ना है लेकिन मैंने जो है 100 डिग्री पे मोड़ा है, सॉरी 80 डिग्री पे मोड़ा है, मुझे 90 डिग्री पे मोड़ना था और मैंने 80 डिग्री पे मोड़ा है, तो गाड़ी का स्टीयरिंग इधर मोड़ने की वजह थोड़ा उधर चला जाएगा, तो हो सकता है मैं सामने वाले को हिट कर दूं। तो उससे बचने के लिए क्या है, इसके अंदर जो होता है ईएसपी सिस्टम के अंदर सेम सोलेनोइड होते हैं जो कि एबीएस सिस्टम में दिए जाते हैं, उनका एक्चुएट कराने का जो तरीका होता है वो हम लोग यूज करते हैं कुछ सेंसर के जरिए। वो सेंसर कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। हमारे जो ईएसपी सिस्टम है, ईएसपी सिस्टम के अंदर एक जी सेंसर लगा होता है जो सबसे पहले ये फील करेगा कि अपोजिट फोर्स कितनी लगी है, यानी कि जी फोर्स कितनी लगी है गाड़ी को मोड़ने के लिए या गाड़ी को टर्न करने के लिए, उसको फील करेगा। उसके अलावा स्टेयरिंग के अंदर आपको मिलेगा स्टेयरिंग एंगल सेंसर, यॉ रेट सेंसर और टॉर्क सेंसर। स्टेयरिंग एंगल सेंसर का काम होता है गाड़ी आपने कितने डिग्री पे मोड़ी है और किस जगह पे है, कितनी मोड़ ली गई है और कितनी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है डायरेक्टली डाटा देगा ईसीएम को और हमें डाटा देगा स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल को। उसके अलावा यॉ रेट सेंसर का काम भी यही होता है, स्टीयरिंग की टर्निंग के बारे में बताता है कि वो टर्निंग कैसे ले रही है और कितना ले रही है। एक होता है टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर का काम होता है गाड़ी के स्टीयरिंग पे कितनी फोर्स अप्लाई की गई है गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए, उसका डाटा भी स्टीयरिंग एंगल सेंसर स्टीयरिंग कंट्रोलर को जाता है।
ईपीएस कंट्रोलर को जाता है। उसके अलावा एक डाटा वाला आ रहा होता है डब्ल्यूएसएस सेंसर का, जो कि व्हील स्पीड से आ रहा होता है, उससे ही पता चलता है कि गाड़ी के टायरों की स्पीड कितनी है, उसका भी एक कैलकुलेशन करना है जो कि ईपीएस कंट्रोलर और ईसीएम को जाएगा। जी सेंसर का डाटा जो है ईपीएस कंट्रोलर से आ रहा होता है, जो कि स्टीयरिंग ईपीएस कंट्रोलर को और ईसीएम को जाता है। इन ये पांच सेंसर का डाटा जो है ये डायरेक्टली ईसीएम और ईपीएस कंट्रोलर को जाएगा, जिससे कि वो ये कैलकुलेट कर पाए कि गाड़ी को हमें किस दिशा में मोड़ना है। आइए, हमने गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मोड़ना था और थोड़ी सी गाड़ी राइट की तरफ चली गई, तो जब हमें फील हुआ कि हमने गाड़ी लेफ्ट की तरफ मोड़नी है, तो इमीडिएटली हम लोग एक्शन लेते हैं गाड़ी को लेफ्ट मोड़ने के लिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी अगर आप ऊपर चले जाएं, तो उस लेवल पे ये सारे सेंसर सेंस करने के बाद तुरंत डाटा जो है ईपीएस कंट्रोलर को, ईसीएम को, और एक डाटा जाएगा हमारे ईपीएस कंट्रोलर को भी। ईपीएस कंट्रोलर उस टाइम पे जज करेगा और तुरंत जो है रियर लेफ्ट व्हील के ऊपर ब्रेक लगा देगा। क्या करेगा, अगर मेरी गाड़ी 90 डिग्री पे मुड़ी थी, 80 डिग्री पे मुड़ी है, और ये क्या करेगा ईपीएस कंट्रोलर, तुरंत रियर लेफ्ट पे व्हील पे ब्रेक लगा देगा। रियर लेफ्ट व्हील पे ब्रेक लगाने से क्या होगा, गाड़ी ऐसे जा रही थी, अगर मैंने इस वाले टायर पे ब्रेक लगाता हूं, गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ना था, इधर मोड़ना था गाड़ी को, और गाड़ी इस तरफ जा रही थी, तो मैंने इस वाले व्हील पे अगर ब्रेक लगाएंगे, इस वाले पे अगर ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, गाड़ी सिर्फ इस वाले व्हील पे लगेगी, तीनों व्हील पे नहीं लगेगी ब्रेक। इस वाले ब्रेक पे टायर पे ब्रेक लगने से क्या होगा, ये वाला व्हील जाम हो जाएगा, जाम होने से गाड़ी जो है लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ गाड़ी जा रही थी, गाड़ी बाहर की तरफ ना जाके अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि मैंने रियर लेफ्ट के ऊपर व्हील ब्रेक लगा दी। बिल्कुल ये उसी तरीके से कोई बच्चा भाग रहा है और मैं उसका पैर पकड़ लूं या उसका हाथ पकड़ लूं, तो एकदम झटके से वो लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा अगर मैंने लेफ्ट वाला हाथ पकड़ा है। अगर मैंने राइट वाला हाथ पकड़ूंगा तो वो राइट की तरफ घूम जाएगा। बिल्कुल, गाड़ी को अगर मैं रियर लेफ्ट की तरफ ब्रेक लगाता हूं तो गाड़ी पूरी लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी और एक प्रॉपर एंगल आ जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी राइट में जाने से बच जाएगी। तो ये था अंडर स्टीयरिंग का सिस्टम, जिसमें कि ईपीएस ईएसपी कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं ओवर स्टीयर की कंडीशन। ओवर स्टीयर कंडीशन में क्या होता है, दो स्टेट होती हैं, अंडर स्टीयर एंड ओवर स्टीयर। तो ओवर स्टीयर में क्या होगा, ओवर स्टीयर में क्या किया कि मैंने गाड़ी को जो है वो गाड़ी को जो है मुझे मान लीजिए कि मुझे गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ना था, मुझे गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ना था, ठीक है, गाड़ी को राइट की तरफ 90 डिग्री मोड़ना था, लेकिन मैंने जो है 110 डिग्री घुमा दिया। अगर मेरे को गाड़ी को 90 डिग्री पे घुमाना था और मैंने 110 डिग्री घुमा दिया तो क्या होगा, हो सकता है राइट साइड में कोई नाला हो, कोई वॉल हो, या हो सकता है कोई वहां पे चौराहा हो, तो हो सकता है कि मैं, या कोई गाड़ी हो जिसको मैं हिट कर दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा अगर मैं 110 डिग्री पे गाड़ी मेरी घूम जाएगी। तो बिल्कुल उस टाइम पे क्या होगा, जब गाड़ी राइट में घूम रही होगी तो उस कंडीशन में घूमते समय क्या होगा, फ्रंट लेफ्ट व्हील में, ये जो आपका फ्रंट लेफ्ट व्हील है इसके ऊपर ब्रेक लगेगी। ओवर स्टीयर की कंडीशन में अगर गाड़ी राइट की तरफ जा रही थी, ओवर स्टीयर की कंडीशन में अगर गाड़ी राइट की तरफ जा रही थी, 90 डिग्री ना घूम गई, 110 डिग्री घूम गई, तो उस कंडीशन में फ्रंट लेफ्ट व्हील पे ब्रेक लगेगा। फ्रंट लेफ्ट व्हील पे ब्रेक लगने से क्या होगा, बाकी व्हील को छोड़ देंगे, सिर्फ इस पे ब्रेक लगेगी, तो गाड़ी इस तरफ ना जाके थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ आ जाएगी और ओवर स्टीयर की कंडीशन से हम लोग बच जाएंगे, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती है हाईवे के ऊपर भी, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और सामने से कोई चीज गिर जाती है, हम एकदम से लेफ्ट या राइट मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे गाड़ी स्किड ना करे, उससे बचने के लिए हम कुछ व्हील्स के ऊपर ब्रेक्स लगा के एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। तो ये अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर जो कंडीशन है, ये ईएसपी सिस्टम में लागू होता है। ईएसपी सिस्टम एक तरह का यूनिट है, बिल्कुल आप एबीएस सिस्टम देखते हैं वही होता है, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने ईबीएस ईएसपी सिस्टम को उसके अंदर फिट कर दिया है, और सोलेनाइड बिल्कुल वही होते हैं इसके अंदर, हम लोग जो है इनटेक इनलेट और आउटलेट के जो हमारे सोलेनाइड होते हैं उन्हीं की मदद से हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। एक तरफ से हम ऑयल को जाने देते हैं, एक तरफ से नहीं जाने देते। जैसे कि मान लीजिए कि चार व्हील्स के ऊपर है 8 सोलेनाइड है, तो उस कंडीशन में एक सोलेनाइड को हम लोग जो है बाकी सोलेनाइड को हम रोक देंगे और डायरेक्टली एक व्हील के ऊपर हम ऑयल के प्रेशर को जाने देंगे, जिससे कि ब्रेक आसानी से लग पाए।
मैंने आपको ईवीएस सिस्टम में बताया था सोलेनोइड काम कैसे करते हैं, उसी प्रकार से ईएसपी सिस्टम के अंदर भी वो सिस्टम काम करेगा। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो सोचने की क्षमता है, यानी इसकी जो रीड करने की क्षमता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लाखों टाइम बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि ईवीएस से 100 गुना ज्यादा बढ़िया चीज है ईएसपी सिस्टम फॉर स्टेबिलिटी प्रोग्राम। एंड आज आपको यह समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।